दोस्तों, फूड हमेशा से ही चाइना में एक बहुत सेंसिटिव इशू रहा है। हालांकि पिछले 30 सालों में चाइना ने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट के नए नए मुकाम हासिल किए, लेकिन फूड सिक्योरिटी के फ्रंट पर चाइना को आज भी समय समय पर कई सेटबैक्स झेलने पड़ रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारणों में से एक है चाइना की मैसिव पॉपुलेशन। चाइना को 1.4 बिलियन माउथ्स को फीड करना होता है, लेकिन वहां के किसान इतने लोगों को फीड करने के लिए इनफ ग्रेन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में चाइनीज पॉपुलेशन मार्जिनली इंक्रीज हुई है, लेकिन फूड कंजम्पशन में हुई इस बढ़ोतरी के बावजूद भी वहां पर ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय उल्टा स्टैग्नेट हुआ है। पिछले 2 सालों में मैसिव फ्लड्स और क्रॉप फेलियर्स के चलते ये क्राइसिस और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हुई है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, राइस चाइना की 2/3 पॉपुलेशन के लिए एक स्टेपल क्रॉप है, और इसी के चलते चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस इंपोर्टर भी है। वो हर साल लगभग 4 मिलियन मेट्रिक टन राइस दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। चाइनीज कस्टम डेटा के मुताबिक चाइना का राइस इंपोर्ट जनवरी 2021 से लेकर अगस्त 2021 के टाइम पीरियड में 3.2 मिलियन मेट्रिक टन के मार्क तक पहुंच गया, जो 2020 में हुए 1.52 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ राइस इंपोर्ट्स का ऑलमोस्ट 2 गुना ज्यादा था। हालांकि चाइनीज स्टेट मीडिया का कहना था कि 2020 में चाइना ने राइस और बाकी ग्रेन्स का एक एक्सेप्शनली वेल ग्रोथ आउटपुट नोट किया, लेकिन उसके बावजूद चाइना ने अगस्त 2020 में इंडिया से 1,14,581 मेट्रिक टन ऑफ राइस इंपोर्ट किया, और ऐसा पिछले 30 सालों में पहली बार हुआ। और ये सब उस समय हुआ जब इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर पर एक डेडली स्टैंड ऑफ चल रहा था। तो यहाँ एक बात साफ होती है कि कोरोना वायरस पैंडमिक, इकोनॉमिक शटडाउन और क्लाइमेट क्राइसिस के इम्पैक्ट के चलते चाइना में फूड प्रोडक्शन सिस्टम एक सीवियर सेटबैक झेल रहा है। दोस्तों, वहां पर चल रही इस फूड क्राइसिस का एक दूसरा बड़ा कारण है वहां पर होने वाली फूड वेस्टेज। आंकड़ों की बात करें तो चाइना में हर साल लगभग 3.5 करोड़ टन ऑफ फूड वेस्ट होता है। टोटल फूड प्रोडक्शन का 6% हिस्सा हर साल बर्बाद होता है, और पके हुए खाने का 1.8 करोड़ टन बच जाता है, जिसको बाद में डस्टबिन्स में फेंक दिया जाता है। इवन ये ट्रेंड पिछले कुछ सालों में इतनी तेजी से बढ़ा है कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने पब्लिकली इस फूड वेस्टेज को शॉकिंग और डिस्ट्रेसिंग करार दिया, और अपनी पूरी मीडिया मशीनरी को इस क्राइसिस से लड़ने में लगा दिया। इसी के चलते वहां ऑपरेशन क्लीन प्लेट जैसे कई पब्लिक कैंपेन्स भी चलाए गए, जिसके अंतर्गत पब्लिक रेस्टोरेंट और लोकल सिटीजन्स को फूड वेस्ट करने से रोकने के लिए एग्रेसिव नॉर्म्स सेट किए गए। उसी तरह ओवर ईटिंग को कर्ब करने के लिए प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने म्यूकबैंग वीडियोज पर भी बैन लगा दिया, लेकिन इन सभी स्टेप्स का कोई खास आउटकम नहीं निकला। ऐसे में ये सभी डेवलपमेंट्स केवल एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं, और वो है चाइना में बढ़ती फूड क्राइसिस। लेकिन दोस्तों, इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि इतना सब होने के बावजूद चाइनीज लीडर्स इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा चाइना की स्टेट मीडिया पब्लिकेशन ग्लोबल टाइम्स हर बार इन ट्रेंड्स को फेक क्लेम कर टाल देती है, और साथ ही साथ वर्ल्ड के सामने एक डिस्टॉर्टिंग रियलिटी शोकेस करती है। इस कड़ी में पिछले महीने भी एक अजीब किस्सा हुआ। दोस्तों, 1 नवंबर 2021 को चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें साफ शब्दों में चाइना की गवर्नमेंट अपने सिटीजन से ये दरखास्त करती हुई दिखाई दी कि वो अपनी दिनचर्या की बेसिक नेसेसिटीज को अपने घरों में स्टॉकअप करके रखें। इस नोटिस में लोकल अथॉरिटीज को सिटीजन्स के लिए एडिक्वेट फूड सप्लाई को एंश्योर करने और इमरजेंसी डिलीवरी मेजर्स को स्ट्रेंथन करने के ऑर्डर्स दिए गए। हालांकि इस नोटिस में किसी फूड शॉर्टेज या फिर कोविड के चलते किसी लॉकडाउन का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन ऑब्जर्वर्स का मानना था कि ये स्टेप अपकमिंग हार्श विंटर्स को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ने तो ये तक स्पेकुलेट किया कि चाइना ताइवान के साथ वॉर पर जाने वाला है, और इसी कारण वो अपने सिटीजन्स को पहले से ही प्रिपेयर्ड रहने की चेतावनी दे रहा है। वो जो भी हो, लेकिन इस खबर ने सिटीजन्स के लिए एक वार्निंग सिग्नल का काम किया। हालांकि स्टेट मीडिया ने ये क्लेम किया कि सिटीजन्स के लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है और वहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन इस ऑर्डर के बावजूद वहाँ के लोगों को एक पोटेंशियल अपकमिंग फैमिन का डर सताने लगा, और इसी के चलते चाइना में पैनिक बाइंग का सिलसिला शुरू हो गया। और तो और, जब सिटीजन्स डर के कारण सुपरमार्केट्स की तरफ बढ़े तो वहां पर भी उनको निराशा हाथ लगी। जी हाँ, लोकल वेंडर्स के पास सप्लाईज की मैसिव शॉर्टेज देखने को मिली। मैक्सिमम आइटम्स के प्राइस स्काई हाई मार्क को
क्रॉस कर गए, इन्फ्लेशन अपने पीक पर पहुंच गया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज हम आपको ये सब बातें क्यों बता रहे हैं, तो इसका एक वन वर्ड आंसर है, ग्लोबल इन्फ्लेशन। जी हाँ दोस्तों, चाइना में चल रही इस अपेरेंट फूड क्राइसिस की वजह से पूरी दुनिया को आज मैसिव इन्फ्लेशन और फूड शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। वो क्यों और कैसे, ये जानेंगे आज की वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, UN की रिपोर्ट्स के मुताबिक आज दुनिया की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज मैसिव इन्फ्लेशन का सामना कर रही हैं। वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन आज इस इन्फ्लेशन की चपेट में है। उदाहरण के तौर पर इंडिया में पिछले कुछ महीनों में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से जंप किया है। इन्फ्लेशन के चलते श्रीलंका पिछले कुछ महीनों से एक स्ट्रैगरिंग फूड शॉर्टेज फेस कर रहा है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 8.9% पर पहुंच चुका है। नेपाल में इन्फ्लेशन एक 19-month हाई पीक पर है। बांग्लादेश में इन्फ्लेशन पिछले 5 सालों के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ चुका है। तो कुल मिलाकर ये प्राइस राइज छोटे बड़े हर देश में देखने को मिल रहा है, और डेटा प्रोजेक्शंस को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में समस्या और भी ज़्यादा बिगड़ने वाली है। हालांकि इसके पीछे कई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन आज जिस फैक्टर की हम बात करने जा रहे हैं वो है चाइना। जी हाँ, एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाइना इज एडिंग टू दिस ग्लोबल इन्फ्लेशन मैसिवली। वो कैसे, आइए देखते हैं। दोस्तों, हाल ही में पब्लिश हुई रिपोर्ट्स में एक खुलासा हुआ जिसमें ये सामने आया कि चाइना यानी कि वर्ल्ड की 20% पॉपुलेशन पूरे ग्लोबल सप्लाई का 50% से भी ज़्यादा ग्रेन होल्ड कर रही है। नेशनल फूड एंड स्ट्रेटजिक रिजर्व्स एडमिनिस्ट्रेशन के हेड ऑफ ग्रेन रिजर्व्स क्विन यूयून के मुताबिक चाइना अपने फूड स्टॉक पाइल्स हिस्टोरिकली हाई लेवल्स पर लेकर जा चुका है। US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट बताती है कि चाइना ने वर्ल्ड मेज रिजर्व्स का 69%, राइस का 60%, वीट का 51% और सोयाबीन का 38% होल्ड कर रखा है। आपको बता दें कि रिजर्व्स चाइना की मेजर फूड प्रोसेसिंग कंपनी कॉफको ग्रुप के द्वारा स्टॉकपाइल किए जा रहे हैं। कॉफको ग्रुप नॉर्थ ईस्ट चाइना में मौजूद डालियन पोर्ट पर एक मैसिव फूड स्टॉकपाइलिंग बेस को रन करता है। ये चाइना के सम ऑफ द लार्जेस्ट फूड पाइलिंग बेसिस में से एक है। इस बेस में लगभग 310 ह्यूज सिलोज मौजूद हैं जो चाइना की इंटरनल और एक्सटर्नल फूड सप्लाईज को स्टोर करने का काम करते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कॉफको ग्रुप का इदादिलन पोर्ट चाइना की फूड सिक्योरिटी का एक क्रूशल एलिमेंट है। लेकिन यही कंपनी आज पूरी दुनिया के लिए भयानक फूड शॉर्टेजेस का कारण बन रही है। टोक्यो के नेचुरल रिसोर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इन टोशिगी प्रीफेक्चर के प्रेसिडेंट अकियो शिबाता कहते हैं कि चाइना की इसी मास होल्डिंग के चलते पूरी दुनिया में फूड प्राइसेस अपने पीक पर पहुंच चुके हैं। UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एज ऑफ नवंबर 2021 वर्ल्ड वाइड फूड प्राइसेस में 30% का स्टीप इन्फ्लेशन देखने को मिला है, और जाहिर है कि इस इन्फ्लेशन का सबसे ज्यादा असर दुनिया की पुअर कंट्रीज पर देखने को मिल रहा है। ये होल्डिंग आज कई देशों को फेमिन की तरफ ढकेल रही है। UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के मुताबिक एज ऑफ 2020 दुनिया के लगभग 700 मिलियन लोग फेमिन स्ट्रक रीजन में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। पिछले 5 सालों में इस फिगर में 100 मिलियन से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। एक जापानीज स्कॉलर मानते हैं कि इस फेमिन लाइक कंडीशंस के पीछे डेवलप्ड नेशंस भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं, लेकिन चाइना का शेयर इसमें सबसे ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि चाइना आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, आइए देखते हैं। दोस्तों, हमने वीडियो की शुरुआत में ही आपको एक पोटेंशियल फूड क्राइसिस के प्रेडिक्शंस की बात बताई थी, लेकिन यहां एक गौर करने वाली बात यह है कि अगर किसी नॉर्मल देश में इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशंस होती है तो वहां की गवर्नमेंट्स एंटी होल्डिंग मेजर्स को प्रमोट करती है और होल्डर्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेती है। लेकिन चाइना में तो उल्टा गवर्नमेंट खुद ही फूड सप्लाईज को होल्ड करने में लगी हुई है। इस स्ट्रेंज डेवलपमेंट को समझने के लिए चाइनीज हिस्ट्री के पन्नों को पीछे पलटना होगा। जैसा कि हमने शुरू में भी कहा कि फूड चाइना में शुरुआत से ही एक क्रिटिकल इशू रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 2000 सालों में चाइना की कई रेजिम्स की पतन का कारण एग्रीकल्चर और फूड क्राइसिस ही रहा है। इसके चलते वहाँ अलग अलग रेजिम्स के द्वारा कई प्रोएक्टिव मेजर्स भी लिए गए, लेकिन फूड प्रोडक्शन सिस्टम की हालत में कोई खास सुधार नहीं हो पाया।
तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इस एग्रीकल्चर क्राइसिस ने चाइना की लगभग हर रेजिम के लिए एक आर्किल्स हील का काम किया है। और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी आज फूड सिक्योरिटी से जुड़े इसी पैरानोइया का शिकार हो रहे हैं, और उनके डर का सबसे बड़ा सोर्स सीसीपी के फाउंडर माओ ज़ेडोंग हैं। आपको बता दें कि इंडिपेंडेंट चाइना के सेकंड फाइव ईयर प्लान के अंतर्गत माओ ज़ेडोंग ने द ग्रेट लीप फॉरवर्ड का ऐलान किया। हालांकि इसके पीछे उनका मकसद चाइना का रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन था, लेकिन अंत में जो मिला वो था एक वर्स्ट एवर फेमीन, एक ऐसा फेमीन जो दुनिया के किसी कोने में शायद ही पहले कभी देखा गया हो, एक ऐसा फेमीन जिसने चाइना के 45 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की जान ली। ये फेमीन तो 1962 में खत्म हो गया, लेकिन इस डार्क एक्सपीरियंस की मेमोरीज सीसीपी को आज तक हॉन्ट करती हैं। आज इस हादसे के 50 साल बाद भी सीसीपी चाइना में किसी तरह की फूड शॉर्टेज को अफोर्ड नहीं कर सकती है। दोस्तों, हमने इस वीडियो की शुरुआत में ऐसे कई फैक्टर्स डिस्कस किए जो चाइना के पोटेंशियल फूड क्राइसिस की तरफ इशारा करते हैं, और इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए आप समझ सकते हैं कि आज चाइना इतना फूड होर्ड क्यों कर रहा है। कई एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि ये फूड स्टॉक चाइना में आने वाली एक पोटेंशियल फूड क्राइसिस के अगेंस्ट एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम कर रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये फूड होल्डिंग चाइना के लोगों को नहीं बल्कि सीसीपी के लिए खुद को प्रेडिक्ट करने की एक स्कीम है, और इस स्कीम का हर्जाना आज पूरी दुनिया को चुकाना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या यहाँ केवल चाइना को ब्लेम करना सही है? अगर हम चीज़ों को एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या आपको नहीं लगता कि आज हर नेशन या कहें कि हर इंसान एक होल्डर बनता जा रहा है? आज जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वायरस पैंडेमिक से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ इसी दुनिया के कई सो कॉल्ड सिविलाइज्ड नेशंस वैक्सीन होल्ड करने में लगे हुए हैं, जो इस फैक्ट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो आज हमारी ग्लोबल कम्युनिटी को ज़रूरत है कि किसी एक कंट्री को ब्लेम करने के बजाय हम इस यूनिवर्सल ह्यूमन टेंडेंसी में बदलाव लाने की कोशिश करें। इस मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।